प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछला वीक था उसमें कौन से ट्रेड्स बने थे बैंक निफ्टी के। रोज़ हम एनालिसिस तो करते ही है, पर अगर एक साथ भी कर लिया जाए तो हमें वो पैटर्न्स याद रहेंगे। और वो पैटर्न्स याद रहने से हमें क्या है कि जब भी नया पैटर्न वही पैटर्न बनेगा आने वाले दिनों में, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये है 26 जुलाई, मंडे था, पहला दिन था। वहाँ पे एक CPR था, वर्जिन CPR, ये मैंने वो मार्क करके रखा था। उस दिन एज पर ADX वो ट्रेड नहीं था, वो प्योर प्राइस एक्शन पर था। वहाँ पर एक वर्जिन CPR का रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी ऊपर गया, वहाँ तक वर्जिन CPR को टच किया और वहाँ से नीचे आ गया। तो यही एक ईजी ट्रेड था उस दिन। ठीक है, दूसरे दिन भी वही जोन से वो वापस नीचे आया था वर्जिन CPR वाले, और एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, वो मैं बताता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन वर्जिन CPR को टच करने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हुई थी, और नैरो CPR था और राइजिंग ADX था। ठीक है, CPR का एक बीच में हमको ये था कि वहाँ पर अगर थोड़ा रुकेगा तो वहाँ पे उसने 20 मिनट निकाले और फिर वापस नीचे गया था। ये था दूसरा ट्रेड। फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पर था। ये काफ़ी आसान ट्रेड था, मतलब दिन का उसने पिछले दिन का प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे लो था, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है क्रॉसर जहाँ पर है मेरा, वो प्रीवियस डे लो था। वो कॉन्फिडेंटली एक ये बड़े कैंडल ने तोड़ा, फिर कंसोलिडेशन हुआ और उसके लो के नीचे एक अच्छा ट्रेड था। उसके बाद जो ट्रेड था वो यहाँ पर था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आप पुट सेल कर सकते थे, क्योंकि पूरा दिन ये मार्केट गिरा ही था, बैंक निफ्टी गिरा था। तो एक अच्छा खासा मतलब थोड़ा बाउंस आ सकता था, या तो रेंज बाउंड हो जाता। तो एज पर चार्ट अगर अपने को लग रहा था कि थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, तो पुट सेल करना अच्छा था, क्योंकि प्रीमियम डीके भी मिल जाता। तो ये एक ट्रेड था, और यहाँ से भी एक लाइन बनती थी, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये एक ट्रेड बन रहा था। ठीक है, और फिर ये था वो शॉक लगा लगा वाला दिन, जहां पे पूरे दिन ट्रेड यहाँ पर मार्केट बीच में ही घूम रहा था, और बाद में यहाँ पर एक डिमांड जोन था जहाँ पे वो जहाँ से ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे निकल गया था। और जब ये आगे निकला तब ये ADX भी राइजिंग था और सब कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे। प्रीवियस डे हाई यहाँ पर था, वो प्रीवियस डे हाई तक नहीं जा पा रहा था। हमने सोचा कि प्रीवियस डे हाई तक जाएगा, पर वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंसेस है ऊपर यहाँ पर, और यहाँ सप्लाई जोन भी मैं और डिमांड जोन भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था उस दिन का ट्रेड। ये 29 था, ये 30th, ये कल का ट्रेड का बात है। यहाँ पर हमें ऊपर से मिला था एक ट्रेड,
लॉन्ग के लिए। ये ट्रेड था, ये वाले कैंडल ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, राइजिंग ADX था और प्रीवियस डे हाई का टारगेट था जो नहीं आया, बट उसके करीब करीब तक गया था। बैंक निफ्टी पूरा वीक कंसोलिडेशन मोड में ही रहा है और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, बट बैंक निफ्टी बहुत ही कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप देखेंगे, एक दिन खाली अच्छी गिरावट आई थी, बाकी सब दिन तो वो एक छोटे से रेंज में ही घूम रहा है। दो दिन इनफैक्ट अच्छा मूव हुआ, बाकी 3 दिन तो कंसोलिडेशन मोड में ही था। तो अभी देखते हैं कि आज मंडे है, आज क्या करता है। आज के लिए हम लोग मार्क कर देते हैं अपने हाई लो प्रीवियस डे के। हाँ, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर दिया है हमने, अभी देखते हैं क्या होता है आज के दिन। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग वीकली एनालिसिस लेके। थैंक यू वेरी मच।